हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। अंतिम तिथि कब है, हर क्लास के बारे में बात करेंगे, हर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जानना है नेशनल स्कॉलरशिप की लास्ट डेट, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आपका फॉर्म प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो, नो प्रॉब्लम, सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग सभी कैटेगरी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और पोर्टल भी कुछ नए तरीके से अपडेट कर दिया गया है। यहां पर देखो दोस्तों, 14 अप्रैल से एससी स्टूडेंट के जो रजिस्ट्रेशन थे वो स्टार्ट हो गए थे नए सेशन के, लेकिन कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं सभी अदर कैटेगरीज के लिए। फिलहाल दोस्तों, यहां पर देखिए लॉगिन पोर्टल यहां पर दिया है, इंस्टीट्यूट कॉर्नर यहां पर दिया है, पूरा पोर्टल इन्होंने चेंज कर दिया है। फिलहाल लास्ट डेट की बात करते हैं तो नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे पहले हम माइनॉरिटी स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। दोस्तों, माइनॉरिटी अफेयर्स में तीन तरह के फॉर्म होते हैं, पहला प्री मैट्रिक, दूसरा पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप इसी में आती है, और यहां पर थर्ड है बेगम हजरत महल। दोस्तों, यहां पर प्री मैट्रिक यानी फर्स्ट टू टेंथ क्लोजिंग डेट है यहां पर 30 सितंबर, तो आप लगा लीजिए 21 जुलाई है आज, जुलाई अगस्त सितंबर लगभग 2 महीने से ज्यादा आपके पास हैं, तो 30 सितंबर से पहले पहले आपको प्री मैट्रिक के फॉर्म भर लेने हैं। अब बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक की, तो 1 महीना और एक्स्ट्रा दिया गया है यहां पर 31 अक्टूबर, यानी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरे 3 महीने से ज्यादा का टाइम है, आराम से फॉर्म भर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करके भर लीजिए। दोस्तों, कैसे अप्लाई करना है प्री मैट्रिक, कैसे अप्लाई करना है पोस्ट मैट्रिक, सारी की सारी हमारी डिटेल्स वीडियोस मिलेंगी आपको हमारी एनएसपी स्कॉलरशिप प्लेलिस्ट में, जहां पर जाकर आप हमारी सभी तरह की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक सभी तरह के एप्लीकेशन फॉर्म हमने दिखाए हैं। दोस्तों, यहां पर मेरिट कम मींस की जो लास्ट डेट है वो सेम है पोस्ट मैट्रिक की तरह, और बेगम हजरत महल की है 30 सितंबर 2022। तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स की बात करते हैं। इसके अलावा कोई अदर स्कीम यहां पर आती है तो उसमें भी आप यहां पोर्टल पर जाकर उसकी लास्ट डेट देख सकते हैं। जैसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा भरी जाने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो कि हायर क्लासेस के लिए होती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए होती है। दोस्तों, यहां पर ओपन टिल 15 नवंबर 2022 है और यहां पर ये डिफेक्टिव एप्लीकेशन है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 अक्टूबर है, सेम एज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म्स। तो यहां पर 31 अक्टूबर तक का टाइम, करीब 3 महीने का टाइम है आपके पास, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा किसी और कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए तो आपको उसकी लास्ट डेट दिखाई दे जाएगी। अगर पर्टिकुलर आपकी कोई ऐसी स्कीम है, कोई ऐसी क्लास है जो आपको नहीं मिलती, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।